नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू का सूप बनाना। तो आलू का सूप बनाने के लिए देखिए, मैंने मीडियम साइज का आलू ले लिया है। इस आलू को मैंने धो लिया है, उबाल लिया है धो करके, फिर इसके बाद इसको छील लिया है। छील के देखिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस इतना पतला पतला है, इसको कद्दूकस किया है। फिर देखिए, ये हम टमाटर डालूंगी कद्दूकस करके। दो टमाटर ली हूँ, इसको कद्दूकस किया है, इसको भी डालूंगी। ये देखिए तड़का में मैंने मिर्ची डालना है, तड़का में डालूंगी। ये जीरा है, इसको भी डालूंगा। ये देखिए स्वाद के अनुसार नमक है, और ये हमने धनिया पत्ता लिया है, ऊपर से गार्निश करूंगी और इसमें भी डालूंगी। तो आइए अब हम ये देखिए, ये पानी ली हूँ, 3-4-5 आलू है, इसमें हमने आधा किलो पानी लिया है। तो इसको आधा किलो पानी में मैं सूप बनाऊंगी। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब देखिए इसमें मैं घी डाल देती हूँ। देखिए मैंने घी डाल दिया है, अब इसमें मैं अच्छा से गर्म हो गया है। अब देखिए मैंने जीरा भी डाल दिया इसी में, क्योंकि मेरा जीरा भी हो रहा है। अब इसी में मैं जो मिर्ची काट के रखे हूँ, अब इस मिर्ची को मैं इसी में डाल दूँगी। मिर्ची अच्छा तरह से भी जाए। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से हमारा हो गया है मिर्ची। तो अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। मीडियम आँच में भूजेंगे इसको। देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरी टमाटर भी हो गया है। इसको ये देखिए अच्छा से भून गया है। मीडियम आँच करके मैंने इसको भूना है। अब इसमें मैं आलू को भी कस कद्दू कस करके रखा है। अब इसको मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए कद्दू कस करके रखी है। अब इसको भी अच्छी तरह से इसमें हम मिला देंगे। व्रत में के लिए नवरात्र है, शिवरात्रि, जो भी सेधा नमक खाने वाला व्रत आता है, तो इसमें आप इसको बड़े अच्छे से कर सकती हैं, खा सकती हैं, बना सकती हैं। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार जरूर ट्राई करें आप। जरूर ट्राई करके बनाएं इसको। ठीक दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हमने सब मिला लिया है, अच्छे से मिल गया है। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। तो देखिए मैंने आधा किलो पानी लिया, छोटी मीडियम साइज का 5 रुपये प्याज थी मीडियम, तो इसी में अब देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। अगर आपको पतला चाहिए, बहुत मोटा चाहिए, तो इतना ही ठीक है, आधा किलो पानी डाल दें। अगर और पतला मोटा चाहिए तो इतना ठीक है, अगर पतला चाहिए तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए। ये देखिए इसी तरह सूप बनाइए, खाइए। अब इसमें मैं सेंधा नमक डाल देती हूँ। ये देखिए हमने सेंधा नमक डाल दिया। अब इसको मैं फूल आँच में पहले उबलने दूँगी, इसके बाद मीडियम में थोड़ा सा पकाऊँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी इसमें। देखिए दोस्तों, थोड़ा हमें ना, ये देखिए अब इस तरह से थोड़ा मोटा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। अब आलू के हिसाब से पानी डालिएगा, जितना आपका आलू हो। हमारा मीडियम साइज का आलू थी, तो हमें पतला थोड़ा सा बनाऊँगी इसको, इसलिए मैं पतला, देखिए इतना पतला, सूप का मतलब है कि थोड़ा पतला होना चाहिए। तो ये देखिए अब परफेक्ट हो गया है। तो अब ये सेंधा नमक भी डालती हूँ, कम तेज नमक आप स्वाद के अनुसार अपना डाल लें और देख लें। और फिर इसको फूल आँच में इसको पकने देती हूँ, उबलने देती हूँ, फूल आँच में ढक देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने फूल आँच किया था, फूल आँच में कितना अच्छा से उबल गया है। अब इसको थोड़ी देर को 5 मिनट तक मैं एकदम मीडियम आँच में रखूँगी, कि ताकि पंछोछर ना लगे, नहीं तो पानी जैसे लगता है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ी देर अभी और पकाऊँगी इसको मीडियम आँच में। तो देखिए अब अच्छा से पक गया है, फिर अभी मीडियम में पकाऊँगी, फिर धनिया डालूँगी, फिर ढक पकाऊँगी। देखिए दोस्तों, मेरा अच्छी तरह से एकदम से पक गया है, बन गया, बढ़िया से सूप बन गया है। देखिए इतना अच्छा बन गया है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता डालती हूँ। ये देखिए धनिया पत्ता मैंने इसमें डाल दिया, बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर बनाएं। इसमें खाली सेंधा नमक डाला है और ग्रीन मिर्ची डाला है, टमाटर डाली हूँ, आलू बस इतना कही है, घी से तड़का लगाई हूँ। तो आप ज़रूर बनाएं इसको, ट्राई ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा सूप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख के देखिए इस तरह से है। तो आप ज़रूर इसको बनाएं, इस सूप को ज़रूर पिए। एक बार बनाएंगे पिएंगे तो आपको हमेशा मन करेगा कि चटपटे बना के खाएं। तो व्रत में कुछ मन फीका हो जाता है, तो इसको ज़रूर बना के खाएं, पिए, ज़रूर पिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।